तो बच्चों अब करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। और बच्चों ये देखो, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा था, पर ये 28 इसके ऊपर आ गया तो फिर ये गड़बड़ हो गई। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना लिया है। देखो बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। और मुझे बोल रखा है, ध्यान से देखिए, ए बी, जो ए बी है वो 40 मीटर का है, जो मेरा ए डी है वो मेरा 9 मीटर का है, जो मेरा बी सी है वो मेरा 28 मीटर का है, और जो मेरा सी डी है वो 15 मीटर का है। और मुझे ये क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो आप सभी निकाल सकते हैं। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं इस पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एरिया तो आ जाएगा, पर इस वाले एरिया को क्या करूँ? तो ध्यान से देखो, पहले ना मुझे पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल देता हूँ। तो देखो ट्राइंगल की तीनों साइड हो गई, और इसका हेरोंस फॉर्मूले से निकाल दूंगा, और इसका हाफ इंटू बेस से, और दोनों को जब मैं ऐड कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो सबसे पहले ना मैं इसका हाइपोटेनियस निकाल देता हूँ, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, विच इज 1600 प्लस 9 होता है आपका 81, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा 1861। तो बच्चों 1681 का अंडर रूट अगर मैं करता हूँ बच्चों, 1681 का अगर अंडर रूट करूंगा, तो बच्चों हाइपोटेनियस मेरा आने वाला है 41। कितना बच्चों? 41। तो इसका अंडर रूट आ जाएगा मेरा 41। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तीनों, ये वाला ट्राइंगल के तीनों साइड भी आ गई है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को देखते रहिए बस। तो देखो सबसे पहले ना मैं ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ए बी डी, है ना, ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज हाफ है मेरा, बेस है मेरा 40, देखो बेस है मेरा 40 और हाइट है मेरी 9, ठीक है। 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 180 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है सॉरी, मीटर में है ना सब, तो मीटर स्क्वायर 180 मीटर स्क्वायर मेरा इसका आ गया। देखो ये आ गया मेरा 180, मैं लिख लेता हूँ इसको 180। अब बच्चों ये तो आ गया मेरे पे, अब ये वाला ट्राइंगल भी है, और तीनों की साइड मुझे गिवन है, तो मैं हिरॉन्स फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, इसका नाम लिख लेता हूँ मैं बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। इसका सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, है ना। तो एस तीनों साइड्स का सम अपॉन टू, तो 41 प्लस 28 प्लस 15 होल अपॉन टू। तो बच्चों इन सब का एडिशन हो जाएगा हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा, कर लेते हैं 41 28 15, 5 और 4 13 और 1 14 14, और ये हो जाएगा 4 5 6 7 और 8 84, है ना, 84 84 अपॉन टू, और ये हो जाएगा बच्चों 2 4 2 4 जाए 2 2 जा 4, 42 मीटर आ जाएगा मेरा सेमी पेरीमीटर, ठीक है जी। अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ अंडर रूट 42, ठीक है बच्चों, 42 अंडर रूट 42, 42 माइनस 41, ठीक है जी, 42 माइनस कितना है 28, और 42 माइनस 15। तो देखो बच्चों, अब मैं कर लेता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। तो देखिए अंडर रूट 42 लिख देते हैं, और 41 माइनस 42 माइनस 41 होगा 1, ठीक है जी, इनटू, अब मैं करता हूँ, अगर मैं 42 को माइनस करूँ 28 के साथ, तो बच्चों मेरे को मिलेगा कितना 14, और अगर मैं 42 को माइनस कर देता हूँ बच्चों कितने के साथ, 15 के साथ, तो आप भी करते रहिए, तो ये आ जाएगा बच्चों 27। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब मैं इसको, मैंने आपको बताया ना, इसको इसको फैक्टराइज करना है, इसको तोड़ना है, ताकि मैं अंडर रूट के बाहर पेयर बना के और अंडर रूट के बाहर इसको करता रहूं। तो देखिए बच्चे इसको कैसा करा जाए, बताइए, 42 को
तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं तोड़ देता हूँ, 6 × 7 मैं इसको कर सकता हूँ 42 को, 14 को मैं क्या कर सकता हूँ 7 × 2, और 27 को मैं कर सकता हूँ, देखो 7 का पेड़ तो बन गया, तो ऐसा करो कि ऐसा कुछ करो कि ये 6 भी आ जाए 2 भी आ जाए, तो 3 9 जाए ना, 3 9 जा, 3 3 9 जा 27, 9। तो देखो देखो यहाँ पे अब ऐसा करते हैं, ये सैप तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इस 6 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 × 2 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, 2 तो मेरे पे पहले से ही था, 3 भी मेरे पे यहाँ है ही, देखो बच्चों, और 9 9 का तो क्या होता है 3 होता है ना, तो देखो ये इसका पेयर बन गया, ये काट देता हूँ, ये बाहर लिख लूंगा, ये भी कट गया, ये भी बाहर लिख लूंगा, और 3 का तो 9 होता है, ये भी बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 3 × 3 × 2। तो बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा मेरा 126 m². अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमने जो पहले ये आधा क्वेश्चन है हमने ये भी निकाल लिया 126 126। अब ध्यान से देखो 126 इसका एरिया आ गया, 180 इसका एरिया आ गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं, और अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐड करने वाला हूँ, तो हमारा आंसर आने वाला है 126 को मैं अगर ऐड करता हूँ 180 से, सो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा कितना, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, 126 और 180, तो ये हो जाएगा बच्चों 6, और ये हो जाएगा 306 m² इज आवर आंसर। तो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और मुझे पता है आप लोग आराम से कर लेंगे। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।